तमाम योजनाएं किसानों के लिए फायदे की तमाम योजनाएं कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दी है, वो वादा पूरा किया जाएगा। इसलिए आप 7 तारीख को पंजे के निशान पर मोहर लगाकर कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश भाकर को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुक्ला जी के बाद मैं अहमद साहब को बुलाऊं, उससे पहले मेरी 4 लाइनें अहमद साहब आपके लिए। जिनकी एक आहट से हवा रुक जाती है, जिनकी मौजूदगी एक खुशी का पैगाम लाती है। अहमद पटेल जी, आपने दिया है इस कांग्रेस को बहुत कुछ। आपकी हर अदा एक सीट दे जाती है, आपकी हर अदा एक सीट दे जाती है। 14 तालियों की गिड़गिड़ाहट। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी गण, ज्योति जी, राजीव शुक्ला जी, आपके प्रत्याशी भाई श्री मुकेश बाबा विराजमान, बुजुर्गो, महानुभाव, नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्गो, साथियों, युवा मित्रों, भाइयों, बहनों और मीडिया के हमारे साथी गण, राजीव शुक्ला जी ने सही बात कही। उन्होंने तो सिर्फ यही क्षेत्र की बात की, लेकिन ये जो माहौल है, जो उत्साह है, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ यही क्षेत्र में नहीं, सिर्फ नागौर में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भी है। और आज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 5 जगह कांग्रेस जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को 0 स्टेट मिलने वाला है। अरे ओए भाई, आज एक ऐसी धरती पे मैं आ रहा हूँ जिस धरती नागौर जिला और उनके तहसील एक संतों की धरती है, हमारे वीर जवानों की धरती है जिन्होंने शहादत दी। नागौर जिला से ज्यादा लोग देश की सेवा में लग जाते हैं, हमारी सरहदों की रक्षा में लग जाते हैं। और यहां के हमारे बुजुर्गों और किसानों जो मेहनत करके, मजदूरी करके देश के लिए अन्न पकाते, बाकी जो नेतागण है जो यहां पे जिन्होंने जन्म लिया, अपनी कर्म भूमि समझी, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी हो, चाहे हमारे जवान हो, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं हृदय पूर्वक से श्रद्धांजलि देता हूं। और जो आज उपस्थित है उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना, जो हौसला मैंने देखा है, आपकी जो हिम्मत है, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो सेंटर में हो, केंद्र में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, हमारे 2 नेता सेंटर में है गुजरात के, और आपसे मैं बहुत अच्छी तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब ये मोदी जी चुन के आए और सिर्फ 4-5 महीने के बाद जब दिल्ली में यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की रैली, और तब मुझे मीडिया वालों ने पूछा, हमारे प्रेस के भाइयों ने पूछा कि आपका इनके बारे में क्या कहना, तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद किया। तारीफ क्या पूछते हो उनकी, तारीफ क्या पूछते हो उनकी, जिनकी सारी उम्र तानाशाही में गई, जिनकी सारी उम्र तानाशाही में गई और बारसा बन रहे हैं जैसे गंगा नहाए, जैसे पाक साफ पवित्र होकर हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था यहां के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे युवा हैं, हमारे जो वीर जवान हैं,
आप। और जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट के हमारे जवान, हमारे शहीद, हमारे किसान बुजुर्ग नेतागण नाथुराम मेहता जी को और बाकी लोगों को मैं भूल नहीं सकता, हमेशा जब भी हमारे पास आते थे अपना कोई निजी काम लेके नहीं, हमेशा किसानों की बात करते थे, अपने क्षेत्र के लोगों की बात करते थे। और आज आप सबको देख कर मैं महसूस कर रहा हूं जैसे आप चीख चीख के कह रहे हैं किसमें हिम्मत है कि निकाल सके मेरे परवाज में कुटाई, किसमें हिम्मत है कि निकाल सके मेरे परवाज में कुटाई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भर। तो यही जो हौसले यहां पे है, यहां पे जो कौमी एकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, और कांग्रेस आ गए हैं सत्ता पे और सत्ता बनाए रखनी है, फिर से सत्ता हासिल करनी है, उसी लिए हमें गुमराह कर रहे हैं। और आज हम उन लोगों को याद करना चाहते हैं कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत दी, चाहे हमारे वीर जवान हो, हमारे स्वतंत्र सेनानी हो, आज हमें उनकी याद करनी चाहिए कि उनकी वजह से आज हम आजादी का सांस ले रहे हैं और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से हमें उन्होंने मुक्त किया। लेकिन सत्ता पे कौन बैठे हैं, न तो जिन्होंने शहादत दी, न तो देश के लिए कुछ काम किया, उनकी तुर्बत में नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चरागे वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो पेशा करते थे शहीदों के कदम। आजादी के लड़ाई में कहीं नहीं थे वो, जो काम करते थे हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये बात करना नहीं चाहूंगा। जब सत्ता में आए 2014 में झूठे वादे, लोगों को गुमराह किए, रोजगारी की बात की, राजीव शुक्ला जी कह रहे थे कितने लोगों को युवाओं को रोजगारी मिली, क्या किसी को रोजगारी मिली, क्या किसी को नौकरी मिली, क्या महंगाई कम हुई, क्या? अरे उससे बढ़कर कह रहे थे कि जो काला धन है हम ले आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, एक ठेला भी आपके अकाउंट में आया क्या? तो ये तो झूठे वादे करने वाले लोग हैं, अब जान गए कि हारने वाले हैं, शिकस्त होने वाली है, तो फिर से मजहब और धन पे आ गए, फिर से वही बातें शुरू की। आज बोलते बोलते या कल मेरे काम प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि करतारपुर का जो कॉरिडोर खोला गया आप सबको मालूम है, पाकिस्तान अगर हमसे अगर एक भी गलती हो गई तो हमें लंबे अरसे तक भुगतना पड़ेगा। तारीख में हमने ऐसे भी मंजर पाए, तारीख में हमने ऐसे भी मंजर पाए कि लम्हों ने खता किया, सदियों ने सजा पाया। तो बिल्कुल भी गलती ना हो, पूरा मतदान हो, हमारे बुजुर्ग मतदाता है उनको घर से ले जाके आप वोट कराइए और कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताइए। और वो जो बीच में लंगर डालने वाले जो लोग हैं, जो बॉटल लेके घूमने वाले लोग हैं, उनको ऐसा सबक सिखाइए कि भविष्य में कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत न करें। जय हिंद, जय भारत। पंडित रखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सरदार बहन सिंह जी ने बना पाया बलिदान दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, कम से कम एक बयान को आपको दिखाओ। सिर्फ मजहब धर्म लोगों को लड़ाई कराना है, झगड़ा करना है, वोटों को विभाजित करना है। जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, कुछ नेता कुछ और करेंगे, जैसे कि बिजली का तार जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से,
कुछ लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते, बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं उसके बावजूद भी। तो कुछ लोग लंगर डाल देते हैं, क्या करें, जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो फसल है वो सूख रही है। तो कम से कम वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी उसको तो वोट मिलने वाले है नहीं, तो एक लंगर डाल दो ताकि कांग्रेस में जो वोट जा रहे हैं उसको भी रोक ले। तो ये सब लंगर वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ज्योति जी ने सही कहा और निशान भी अच्छा दे दिया, बॉटल पकड़ा दी। बॉटल कभी भरी हुई होती है और कभी खाली नहीं होती है। लोगों को नशा पिलाओ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नशा पिलाना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। अरे मजा तो सब है जो गिरते हुए तो दुखी है। हमारे युवा, हमारे साथी, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। सोनिया जी ने आके यहाँ केंद्र का इनॉग्रेशन किया, सबसे बड़ा पानी का प्रोजेक्ट। लेकिन पानी भी पॉल्यूटेड है, पानी मिलता है नहीं मिलता है, तो उनको विकास की कमी नहीं होगी। पहले विकास की बात करते थे, आप धर्म और मजहब की बात करते हैं, और यही इस बात की प्रसिद्धि कराती है कि ये लोग जब समझ चुके हैं कि ये हारने वाले हैं, उसी लिए लोगों का ध्यान कहीं और ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आखिर में ये देश, हमारा राष्ट्र, बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्रीय एकता की, देश की अखंडता की। अरे मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान का नक्शा, भारत का नक्शा कोई भौगोलिक नक्शा, और राष्ट्र का निर्माण कहीं ईंट पत्थर और चूना से नहीं होने वाला है। राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, तो उसमें रहने वाले तमाम वर्ग के लोग, उनके दिलों की एकता होना जरूरी है, तभी देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, विकास करेगा। कभी जब देश बता हुआ हो वो कभी तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है। यहाँ लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या यहाँ का विकास होगा, तरक्की होगी, प्रगति होगी? निश्चित तौर से नहीं होगी। तो ये लोग तो ये चाहते हैं, तो इनको पहचानने की जरूरत है। और ये धरती आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तो लोग